गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जाने वाले हैं मिलने दो छोटी छोटी कॉटन की बॉल्स से। तो कॉटन की बॉल्स का मतलब ये है कि हम आज मिलने जाएंगे दो छोटे छोटे से जर्मन शेफर्ड के पपीज। जर्मन शेफर्ड के पपीज हैं। तो सबसे मेन चीज़ इन पपीज के बारे में ये है कि ये बिल्कुल ब्लैक कलर के हैं, जिसमें से एक पपी पूरा प्योर ब्लैक जर्मन शेफर्ड है और एक पपी के पैरों में थोड़ा सा टैन कलर है। तो जब वो बड़ा होगा पपी, तो वो बड़ा होने के बाद ही बहुत ही खूबसूरत सा पपी लगेगा, जिसका ऊपर का पोर्शन सारा ब्लैक रहेगा और नीचे के जो लेग्स रहेंगे वो सिर्फ थोड़े से ब्राउन ब्राउन कलर के, टैन कलर के जो आप कहते हैं वो रहेंगे। ठीक है, तो पपीज़ बहुत ही क्यूट हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं। चल लेते हैं, मैं भी मिल लेता हूँ, व्यूअर्स को भी मिला देता हूँ पपीज़ से। तो इसलिए अभी चल रहे हैं हम पपीज से मिलने, और वहाँ चल के आप लोगों को पपीज की प्यारी प्यारी सी एक्टिविटीज़ और पपीज से मिलाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी अच्छी लगेगी और काफ़ी क्यूट सी वीडियो लगेगी आप लोगों को। सो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलते हैं फिर पपीज के पास। ये है हमारा पहला ब्लैक मेल जर्मन शेफर्ड। तो ये पूरा ब्लैक है एकदम, देख सकते हो कोट भी कितना प्यारा है इसका। बिल्कुल मस्त, एकदम फ्लफी बॉल की जैसे। तो ये देखो छोटा सा पॉ, वाओ कितना क्यूट पॉ है इसका, बहुत ही प्लेफुल है पप्पी, बहुत ही प्यारा है। पूरा ब्लैक है, कहीं से भी कोई और कलर नहीं है। ये जो एक वाइट स्पॉट होता है ये सारा ही डॉग्स के अंदर होता है, और ये इससे कुछ भी वो नहीं कहते आपकी इम्प्योर ब्लैक नहीं है या फिर वो नहीं है, ये सारे डॉग्स के अंदर आता है एक स्पॉट। जैसा देख सकते हो यार आप लोग, कितना क्यूट क्यूट सा पप्पी है, मेरे को तो बहुत ही प्यारा लगा यार। ये मेरे पास कॉल आया था, भैया का पास में रहते हैं, उन भैया ने लेकर आए थे इनको, तो मेरे पास कॉल आया कि भाई ब्लैक कलर का हमारे पास जर्मन शेफर्ड पपी है, आप अगर देखने में इंटरेस्टेड हो तो देख लो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चल लेते हैं एक बार, देख के आ जाते हैं और अपने व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं प्यारे प्यारे से दो छोटे छोटे से ब्लैक जर्मन शेफर्ड के पपीज, बहुत ही क्यूट। कोट देखो इनका, अरे भाग गया। अब आपको दिखाता हूँ फीमेल पपी। ये रही हमारी ब्लैक फीमेल, जो कि फुल्ली ब्लैक नहीं है, बट इसका थोड़ा सा जो आप कह सकते हो यहाँ पर हल्का सा ब्राउनी ब्राउनी सा है लेग्स के अंदर, जो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी होके ये पूरी कंप्लीट ब्लैक रहेगी, बस इसके जो जो लेग्स रहते हैं थोड़े थोड़े से वो ब्राउन रहेंगे। बाकी कलर जो कॉम्बिनेशन आएगा ना, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन आएगा इसका आगे जाके, बहुत ही क्यूट क्यूट सी लगेगी। भाई बहन लड़ाकू हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं दोनों एक दूसरे से, प्ले फाइट कर रहे हैं। ये इसके अंदर ही रह गया अभी तक। सो गाइस, अगर किसी को भी ये पपीज अगर चाहिए हो, कोई भी इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर हैं वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। हम वैसे अजमेर राजस्थान में रहते हैं, जो कि जयपुर के पास में है, आपने सुना होगा जगह के बारे में। जिसको भी चाहिए हो ये पपीज, तो नंबर मैं कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कॉन्टैक्ट कर लेना आप। और एक और चीज़ बताऊंगा गाइस, ये पपीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, तो आप इनको लो प्राइस के अंदर नहीं सोच सकते कि आपको मिलेंगे। तो अगर आपका मन हो सच्ची में लेने का, तो आप कॉल करिएगा, बिल्कुल फ्री है कॉल करना। जैसा कि ये खेल रहा है भैया के पैर के साथ में, तो बहुत ही क्यूट लग रहा है।
क्यूटी क्यूटी। ए कमी 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 कमी। वो ज्यादा ब्लैक है ना, इससे ज्यादा मतलब बहुत मतलब वैसा है, इसका शार्प शेड है। वो भी है सेम चीज ही, बट वो बड़ा होके थोड़ा होगा। ओए चुटकू चुटकू। हाँ इनको थोड़ा सा एक वो तो देना ही पड़ेगा, बट अभी तो ठीक है। हे नो कम इन, गुड बॉय गुड गर्ल। यार मैं रख लेता, अगर रखने वाला रख पाता ना मैं, अगर तो मैं गारंटी नहीं, मैं रख लेता ना अगर मेरा होता ना कि हाँ भाई मैं रख सकता हूँ अभी कोई भी पप्पी, तो मैं गारंटी रख लेता, गारंटी विदाउट एनी कॉज। कुछ कुछ कुछ